वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हितेन? खाटू श्याम जी के मंदिर। कहाँ पे है ये? शेलाकुई में। शेलाकुई कहाँ पे? शायद देहरादून। देहरादून जा रहे हैं हम। अच्छा, मोलू विश ऑफ क्यों कर रहा है? हम आ जाएंगे हम थोड़ी देर में, है ना मोलू? चलो मिलते हैं फिर। कहाँ जा रहे घूमने? गोल गोल है दुनिया। कैसी है गोल? आ गया नस्ते। नस्ते। हाँ ये इसके गले को सेफ रहेगा ना इसमें एटलीस्ट। आकू कहाँ चला गया तू? कितना खुश है घूमने में, घूमने में खुश है आकू तू? रुक जा, टिकेगा थोड़ी, आराम से जाते हैं आप लोगों के साथ, ये छिड़खान तो नहीं करता? नहीं। अब तो भारी हो गया, खींचने मुश्किल होती होगी आपको, पूरी ताकत लगाती हुई आदत हो गई। हाँ छोटे से आपके साथ रहे ना तो इसलिए। जब तो ये इतना छोटा था ना, ये छत पे भी चढ़ नहीं पाता था, डर डर के चढ़ता था। बाहर वो भी इसका वेट कर रही है, बंदरी। बंदरी इसके साथ घूमती है ये भी। आप व्लॉगिंग करते हो? शुरू करते हैं। ये बंदरी नहीं है तो उसका बच्चा है, बताती हूँ। सुरेखा कवर दिखा भी है। बाकी गया घूमने और हम भी निकल गए हैं अब शेलागुई के लिए। और अभी आपको मैं सामने दिखा रही हूँ, ये सनसेट का व्यू है जो पांवटा साहिब में यमुना नदी के ऊपर दिख रहा है। आप भी देखिए इस व्यू को, कितना सुंदर लग रहा है। और साइड में आपको गुरुद्वारा दिख रहा होगा श्री पांवटा साहिब जी का। और अभी हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, हमारे साथ दिखाती हूँ आपको कौन कौन है। ब्लॉग के लास्ट तक रहेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा हम कितने लोग हैं। हम जा रहे हैं अभी खाटू श्याम जी के दर्शन करने, जो शेलागोई में है। और ये देहरादून से काफ़ी नज़दीक है, देहरादून से अप्रॉक्स 10 मिनट का रास्ता होगा। पांवटा साहिब से हमें अप्रॉक्स 1 आवर लग गया था जब हम यहाँ गए। और अब आप आगे इंजॉय कीजिएगा ब्लॉग को। फाइनली हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं। और देखिए अब आप यहाँ पे दो सिंगर्स आए हुए थे जो अपने सॉन्ग को रिकॉर्ड कर रहे थे। तो आप भी देखिएगा कैसे इनकी रिकॉर्डिंग चल रही है और किस तरीके से यहाँ पे इतना क्राउड था, काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी भक्तजन आए थे जो दर्शन करने थे। और ये देखिए आगे खाटू श्याम जी का दरबार, कितना सुंदर सजाया है भगवान जी को फूलों के साथ। खाटू श्याम जी भीम के पोते थे, महाभारत के भीम, आपने सुना होगा उनके बारे में। मैं आगे आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी उनके बारे में, तो देखते रहिएगा एंड तक। और ये बूंदी का प्रसाद उन्होंने हमें दिया था, मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा दूं कि प्रसाद में क्या मिला है। और साथ में आपको जो ये म्यूज़िक सुन रहा है ना गाइस, ये वहाँ रिकॉर्डिंग हो रही थी, जो लड़के लोग गाना गा रहे थे उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। पांडवों में भीम का नाम तो आप सबको पता होगा, घटोत्कच भीम के बेटे थे। और जब उन घटोत्कच के बेटा हुआ बारबरीक उनका नाम था, जो कि दुर्गा माता के बहुत बड़े भक्त थे। तो दुर्गा माता ने उनसे, उनकी भक्ति से खुश होकर उनको कुछ वरदान दिए थे, 3 वरदान। तो जब कृष्ण जी को इन वरदानों के बारे में पता चला और साथ में महाभारत का युद्ध भी चल रहा है, तो कृष्ण जी वहाँ आ गए कि अगर बारबरीक युद्ध में आएंगे तो
क्योंकि उनके पास वो तीन वरदान है, तो वो जिस भी पक्ष के लिए युद्ध लड़ेंगे तो वो पक्ष जीत जाएगा। इसी वजह से कृष्ण जी ने बार्बरिक के पास उनके उनको एक और बात पता चल गई थी कृष्ण को, कि जब बार्बरिक घर से निकले थे उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि उनको रास्ते में कोई भी गरीब या कोई भी श्रद्धालु मिलेगा जिसको किसी सहायता की ज़रूरत होगी तो वो इनके ज़रूर मदद करेंगे। तो इसीलिए कृष्ण जी वहाँ पर अपना वेश बदल करके एक ब्राह्मण के रूप में गए और उन्होंने उनसे वरदान मांगा। पहले तो उनकी परीक्षा ली कि इनके वरदान सच में सच्चे हैं या नहीं। एक पीपल के पेड़ से सारे पत्तों को दोबारा पेड़ पे लगाने के लिए कुछ इस तरह की उन्होंने लीला रची, तो उसको इन्होंने करके दिखा दिया। फिर कृष्ण जी ने वरदान में उनसे मांगा कि आप मुझे अपना गला काट के दे दो। तो फिर क्योंकि इन्होंने माँ को वचन दिया था तो ये पीछे नहीं हटे, इन्होंने अपना वचन पूरा किया और अपना गर्दन काटने को तैयार हो गए। बट वहीं पर इन्होंने कहा कि मेरा एक डिसीजन है कि मुझे चाहिए कि मैं कुरुक्षेत्र का जो ये महाभारत की लड़ाई होगी मैं इसको देखना चाहता हूँ। तो कृष्ण जी ने कहा बिल्कुल मैं आप इसके आप मतलब इस चीज़ के लिए कृष्ण जी भी एग्री हुए और उन्होंने इनको वो स्थान दिया कुरुक्षेत्र में जो सबसे ऊंची पहाड़ी थी, वहाँ इनकी जो इनका गर्दन कटी थी उसको वहाँ पे स्थापित कर दिया ताकि वहाँ से ये पूरा युद्ध भी देख सके। तो इस तरीके से कृष्ण जी ने जो कि एक युद्ध होने वाला था उसका निर्णय जो था वो एक वन साइडेड ना करके उसको न्यूट्रल कर दिया था। तो वहाँ पे उनको ये वरदान दिया कि आपका जो आपको कलयुग का समय जब आएगा उस समय आपको खटू श्याम के नाम से जाना जाएगा, अपने नाम से उनका नाम जोड़ दिया और कहा कि आपके मंदिर में जो भी जाएगा जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण होगी क्योंकि आपने अपनी माँ का जो भी आपको कर्तव्य दिया गया था आपने उसको पूर्ण किया और फुलफिल किया, तो आपके पास जो भी जो इच्छा लेकर के आएगा उस इच्छा को फुलफिल किया जाएगा। यही कथा है खाटू श्याम जी की और राजस्थान में भी इनको बहुत मान्यता है। अब क्योंकि देहरादून में भी यहाँ मंदिर बन गया है, काफ़ी भीड़ थी, कई लोग यहाँ आए थे, मेरी वीडियो में आपको दिखाऊंगी, यहाँ हनुमान जी की भी बहुत पूजा हो रही थी। खाटू श्याम जी के मंदिर के साथ ही हनुमान जी का भी मंदिर है तो आगे मैं आपको उसके भी दर्शन कराऊंगी। अभी आप इस वीडियो को देखिए यहाँ पे कितना अच्छा इनका भक्ति चल रही है, कितने लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो आप भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। प्रताप
महाजगबन्न विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर करुण चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि रंग जरा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवार जाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सियुरा रघुपति की भी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत नहीं संभाल सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगा संतादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद श्रेष्ठ हरीशा कवि कुबेर दिग्पाल जहाते कवि गोविंद कहि सके कहान तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लियो ताहि मधुर फल जान मुद्रिका मिल मुख माही जल्दी लांदि गए अचरज नान दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे देते राम रसारे तुम रखवारे भोजन आज्ञा बिनु बैसार सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डर आपन तेज समारो आपे तीनों लोग आपते काप भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जो सुन अंतर हनुमत वीर हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे गोत निगंधन राम दुलार अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जान की माता के दास तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म जो सुमिरे हनुमत बलवीर जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की ना जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंधी महासुख हो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि जेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा हृदय मह डेरा तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप रवि राम जय जय राम श्याम राम जय जय राम साथ में हनुमान जी के भी हमने दर्शन किए और शिव जी के भी वजह से हमारे भी दर्शन हो गए ये मोर पंख ऊपर झंडे में लगा रहे थे तो मैंने उनसे एक मोर पंख मांगा तो दे दिया उन्होंने ठंडा बन रहा है तो वहाँ वहाँ से लिया गर्मा गर्म चाय ला कप दे रहे नो पानी की बोतल तो नहीं है कितने प्रसाद में बिजी है ये बोल ही बहुत अच्छी है पानी की बोतल ला पानी दे दे आंटी को हमने चाय वो पकड़ लेगी फाइनली अब हम पौंटा पहुंचने वाले थे और अभी हम आप पहुंचने ही वाले हैं इनफैक्ट आपको सामने यमुना नदी और गुरुद्वारा दिख रहा होगा
मौली अभी बाहर देख रही है कौन आ रहा है कौन आ रहा है आखिर कौन आया कौन आया पूछ देखो दोनों की मम्मी के लिए अरे मेरा आंखू बच 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 अरे मौली कौन आ रहा है मौली तेरे को लेके नहीं गए और फाइनली हम देहरादून से घर पहुंच गए मोरपंख जो मेरे को वहां मंदिर में मिला तो मैं ले आई साथ में तो रूम पहुंच कर रूम की पूरी सेटिंग बदल दी है साफ सुथरा करके जैसे रजाई लगा दी है मैं दिखाती हूँ आपको रूम का टूर कराती हूँ यहाँ पे इतने सुंदर महात्मा बुद्ध जी को स्थापित कर दिया है और मेरे को एडिटिंग करने के लिए मेरा लैपटॉप और मेरा टेबल यहाँ सेट कर दिया है ताकि मुझे कोई इशू ना आए अपनी एडिटिंग में सोफा लगा दिया और अपना टीवी यहाँ खुशी हुई मुझे देख करके आज मेरे पति देव जी ने इतना कष्ट करके रूम की सफाई करी है और मेरे लिए इतना सोचा है कि हाँ अच्छी जगह बैठ कर एडिटिंग करे और अपना काम अच्छे से करे चलो मिलते हैं बाद में और हम पहुंच चुके हैं घर हम गए थे खाटू श्याम जी के मंदिर जो शैला कोई पौंटा साहिब से एक घंटा हमें जाने का लगा था एक घंटा ही हमें आने का लगा और हमने आती हुई चाय पी आंटी हमारे लिए चाय लेके गए थे उन सबके लिए हमने चाय पी और हम अभी घर आ गए हैं ये मोर पंख लाए हैं साथ में क्योंकि खाटू श्याम जी कृष्ण जी का ही अवतार है तो ये मोर पंख हम साथ में लाए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए खाटू श्याम जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा हमें भी और आप सब भी देखकर बताना कैसा लगा और सब्सक्राइब भी करना हाँ सबने सब्सक्राइब करना है लाइक भी करना है वीडियो को शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारी हेल्प हो जाएगी ठीक